हिजबुल्ला पर इसराइल लगातार हमले कर रहा है। हर रोज इसराइल की सेना हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अब लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइली हमले में हिजबुल्ला के मीडिया संबंध प्रमुख मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार हिजबुल्ला ने मोहम्मद अफीफ की मौत की पुष्टि की है। मध्य बेरूत में सीरियाई बाद पार्टी के मुख्यालय पर IDF के हमले में एक अफीफ की मौत हो गई। इसराइल ने अभी तक हिजबुल्ला के प्रवक्ता की हत्या की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि अल अजीरा के अनुसार अफ्रीका ने हिजबुल्ला के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमे इसराइली बमबारी के बारे में जानकारी दी गई। अफीफ ने सशस्त्र समूह के शीर्ष मीडिया संबंध अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले कई वर्षों तक हिजबुल्ला के अल मना टेलीविजन स्टेशन का प्रबंधन किया। अफीफ ने हाल ही में पत्रकारों को दिए गए अपने बयान में कहा था कि हिजबुल्ला के पास इसराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार है। अल अजीरा के अनुसार अफ्रीका ने हिजबुल्ला के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इसराइली बमबारी के बारे में जानकारी दी गई है। अफीफ ने सशस्त्र समूह के शीर्ष मीडिया संबंध अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पहले कई वर्षों तक हिजबुल्ला के अल मना टेलीविजन स्टेशन का प्रबंधन किया। अफीफ ने हाल ही में पत्रकारों को दिए गए अपने बयान में कहा था कि हिजबुल्ला के पास इसराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार है। बता दें रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर फ्लेयर्स फेंकने के आरोप में 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। शनिवार रात को केसरिया में नेतन्याहू के निजी घर पर 2 फ्लेयर्स फेंके गए, जो घर के आंगन में गिरे। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री और उनका परिवार घर पर नहीं था। इस साल अक्टूबर की शुरुआत में नेतन्याहू के निजी आवास पर हिजबुल्ला के ड्रोन ने हमला किया था। इसराइली मीडिया के में प्रकाशित तस्वीरों में बेडरूम की खिड़की में दरारें दिखाई दे रही थी, जहां ड्रोन ने हमला किया था, लेकिन वह अंदर घुसने में विफल रहा। फिलहाल ताजा अपडेट इसराइल को लेकर यही है, जैसा अभी हमने आपको बताया। फिर एक बार हम आपको बता दें कि हिजबुल्ला पर इसराइल लगातार हमले कर रहा है। अभी ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज इसराइल की सेना हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान पहुंचा ही जा रही है। जैसा अभी हमने बताया कि लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइली हमले में हिजबुल्ला के मीडिया संबंध प्रमुख मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार हिजबुल्ला ने मोहम्मद अफीफ की मौत की कोई पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन मध्य बेरूत में सीरियाई बाद पार्टी के मुख्यालय पर IDF के हमले में अफीफ की मौत हो गई। बता दें कि इसराइल ने अभी तक हिजबुल्ला के प्रवक्ता की हत्या की पुष्टि ऑफिशियली तौर पर नहीं की गई है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।